सो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम आदाब गाइस। आप आ चुके हैं यात्रा मंत्रा के एक और एडिशन पर। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मनाए जाने वाले त्यौहार, जिस जो कि आज के दिन पर है, जिसका नाम है दशहरा। विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, और इस सब की स्टोरी तो सबको पता होगा कि ये क्यों मनाया जाता है। मैं उस पर इम्फेसाइज नहीं करूँगा। मैं सबको शुभकामनाएँ देता हूँ, और आप अपनी फैमिली के साथ मनाएं, इन्जॉय करें इस डे को फुल तरीके से, फुल ऑन एंजॉय करें। पर इसके साथ साथ गाइस, मेरे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। और डेफिनेटली ये मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से था कि मैं इस टॉपिक पर आपके ऊपर कुछ चर्चा, कुछ बातचीत, कुछ गुफ्तगु कर पाऊँ आपसे, बेसिकली इंट्रैक्शन कर पाऊँ। तो गाइज, मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जैसे कि शादी के पहले एक लड़की मिस होती है, शादी के पहले एक लड़का मिस्टर होता है, और शादी के बाद भी वो मिस्टर होता है, बट शादी के जस्ट बाद लड़की मिसेज हो जाती है बट लड़का मिस्टर रहता है, राइट? तो ये दोगलापन क्यों? मतलब मैं आपको एक थॉट पे आई वुड रियली वांट यू टू थिंक अबाउट इट, अपनी राय बताएं कि वाकई ये एक तरह की, मतलब एक तरह से दोगलापन नहीं है कि जहाँ हम बात कर रहे हैं नवदुर्गा भी ख़त्म हुआ है, स्त्रियों की बहुत रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, सब कुछ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट ऐसी चीज़ क्यों कि शादी के पहले कोई उसकी इंडिविजुअलिटी शादी के बाद ख़त्म हो जाती है क्या? सो वो मिसेज हो जाती है, वो किसी इंसान से जुड़ जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। अब हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि अर्धनारीश्वर की ही परिकल्पना है कि मतलब जितना पुरुष समाज में और दूसरी जगह पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, अपना समर्पण करते हैं, अपना 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 सब कुछ दांव पे लगाते हैं, उतना ही एक महिला एक एक गृहस्थ जीवन में सारे लोगों के लिए सेम चीज़ लेके जाती है। तो फिर ये दोगलापन क्यों? मतलब मैं वही आपसे जानना चाहूँगा कि अगर शादी के पहले एक लड़का अगर मिस्टर है, अगर शादी के पहले एक लड़की अगर मिस है, तो शादी के बाद भी उसकी आइडेंटिटी मिस लगाओगे आप, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? मिसेस लगाने की क्या ज़रूरत है? उसकी इंडिविजुअलिटी क्यों ख़त्म कर रहे हो आप लोग? मैं ये सारे थॉट्स आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, आप बताएं कि इस पे आपके क्या थॉट्स हैं। मेरे तो इसमें बहुत ही वोकल थॉट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, कि मैं इस तर्क से, इस विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं हमेशा उस चीज़ को, पोटेंशियल को आगे लेके जाता हूँ कि औरत और आदमी दोनों की इंडिविजुअलिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, शादी के पहले बाद में डजंट मैटर, बट लड़का और लड़की दोनों की, आज हम जेंडर पैरिटी की बात कर रहे हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर पैरिटी, एंड एवरी वन इन द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट द जेंडर पैरिटी, एंड एट द सेम टाइम वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ ड्यूअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पीपल, राइट? कि शादी के पहले औरत को कहा जाए कि भाई मिस, और शादी के बाद उसको बोल दिया जाए मिसेस। तो एक तरह से ये मेरे को लगता है कि ये औरत की इंडिविजुअलिटी पर घात है, और इस पे आपको सोचना चाहिए, आप अपने राय बताएं कमेंट बॉक्स में जाके, बट मेरे अकॉर्डिंग मिस्टर और मिस ही चलना चाहिए, दैट्स इट। दिस इज़ व्हाट आई एम एबल टू गेट इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई एम लीविंग बिहाइंड द लॉट ऑफ थॉट्स फ्रॉम योर एंड, एंड आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन द लिंक बिहाइंड। सो यात्रा मंत्रा गाइस, बाय बाय।